हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी मसालेदार रसोई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंस्टेंट पेड़ा, जो कि सिर्फ 3 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सबका कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन करता है, इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट इंस्टेंट पेड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये जो पेड़ा है, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए पेड़े बनाना शुरू करते हैं। पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 2 छोटी कटोरी मिल्क पाउडर। उसके बाद मैंने इधर लिया है 1/2 कटोरी चीनी, क्योंकि मिल्क पाउडर में पहले से ही शुगर होती है, इसलिए हम चीनी थोड़ी सी कम लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी। देसी घी को डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। मैंने इधर 1/2 कटोरी मिल्क लिया है। उसके बाद हम इसमें अपने शुगर भी ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे। और जैसे ही आपकी चीनी जो है वो अच्छी तरह से दूध में घुल जाए, आप उसमें डाल दें अपना मिल्क पाउडर और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि कंबाइन ना हो जाए। तो ये देखिए, धीरे धीरे जो है इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है और ये अच्छी तरह से कंबाइन हो रहा है। इसको अच्छी तरह से कंबाइन करने के बाद आप इसे एक बर्तन में निकाल लें और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। आपको इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो फिर इसके पेड़े नहीं बन पाएंगे। अब जब आपका डो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, आप उसके एक एक करके पेड़े बना लें, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो ये देखिए, हमारे जो पेड़े हैं वो कितनी आसानी से बन गए हैं और ये कितनी जल्दी भी बन के तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, अब मैंने अपने पेड़े को जो है वो बादाम से गार्निश कर लिया है और ये देखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं।